हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली नैनीताल बैंक ने अपना एमटी और क्लर्क का रिजल्ट निकाल दिया है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया इसमें। सबसे पहले तो मैं अपने अटेम्प्ट बता दूं, एमटी में मेरे अटेम्प्ट थे 130 अटेम्प्ट, एंड आउट ऑफ 130 आई गॉट 102.5, जो कि आई थिंक काफ़ी लो स्कोर है एज़ कम्पेयर टू माई अटेम्प्ट्स। डोंट नो कहाँ गलत हो गए इतने, बिकॉज इतना तो गैस वर्क मैं करता नहीं हूँ। बट चलो, एमटी का तो मैं मान लूँ एक बारी के लिए कि हाँ मैं गलत हो सकते हैं। बट सी माई क्लैरिकल स्कोर कार्ड, क्लैरिकल में सी दिस माई क्लैरिकल स्कोर कार्ड 113.75, और इसमें मेरे अटैम्प्ट थे 145, एंड आउट ऑफ 145 गॉट दिस मच, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे इतने कम स्कोर आ जाएगा। बिकॉज क्लैरिकल में मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें मेरे को श्योरिटी थी। आई डोंट नो कहाँ गलती हो गई और क्या गलत हो गया यार। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनका भी नहीं हुआ है, उनके तो 150 प्लस अटैम्प्ट थे, दो तीन फ्रेंड्स के मेरे, उनका भी नहीं हो पाया है। डोंट नो, कोई ऊपर से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें जीके में कितना स्कोर किया है, क्वांट में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में कितना स्कोर किया है। सिर्फ आपके टोटल मार्क्स दिखा दिए गए हैं कि इतना आपका टोटल मार्क्स, इतने आपके टोटल मार्क्स हैं और ये आपका रिजल्ट है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं क्या बनाया, एग्ज़ाम भी ऐसे कंडक्ट करा दिया, रिजल्ट भी ऐसे निकाल दिया, डोंट नो। खैर जो भी है, अभी आगे काफ़ी एग्ज़ाम आने हैं, आईपीएस पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम होगा, एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा आगे, बहुत होगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, होपफुली मेरा भी शायद क्लियर हो जाए, और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी आना बाकी है, शायद आ जाए इस साल। तो गाइज़, अभी जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो साल के चार मेन एग्ज़ाम होते हैं, वो अभी बाकी है। सो गाइज़, डोंट लूज होप एंड कीप स्टडिंग। बाकी जिनका हो गया है, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, एंड टेक केयर।